नमस्कार बच्चों, मेरा नाम श्वेता है और आज हम हिंदी का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। पहले पाठ में हम चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला चित्र। अभी आप सबको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, उस चित्र को ध्यान से देखो और बताओ आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चों ने बताया उन्हें इस चित्र में रंग बिरंगी ढेर सारे गुब्बारे दिखाई दे रहे, पांच बच्चे भी दिखाई दे रहे और एक बच्चे ने ये कहा कि उसे इस चित्र में एक बच्चा जोकर बना है यह भी दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा उसे इस चित्र में केक दिखाई दे रहा है और एक लड़की उस केक के सामने खड़ी होकर उसकी मोमबत्तियां बुझा रही है यह दिखाई दे रहा है। अब मेरा दूसरा सवाल है, यह चित्र किस प्रसंग का हो सकता है? तो एक बच्चे ने बताया यह चित्र जन्मदिन का है। जन्मदिन इस शब्द का क्या अर्थ होता है? जिस तारीख को हमारा जन्म होता है हर साल उस तारीख को हम हमारा जन्मदिन मनाते हैं। हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। एक कवि है, उन्होंने जन्मदिन पर कुछ काव्य पंक्तियाँ लिखी हैं। तो चलो आज हम उनको सुनते हैं और समझते हैं। कवि कहते हैं, दोनों है परिवार की शान, बेटा बेटी एक समान। अभी आपको दो चित्र दिखाई दे रहे होंगे। एक चित्र एक लड़की जन्मदिन मनाते हुए है और दूसरे चित्र में एक लड़का अपना जन्मदिन मना रहा है। कवि के इन काव्य पंक्तियों का अर्थ यह है कि लड़का और लड़की दोनों में हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं, लड़का और लड़की दोनों भी परिवार की शान है, वे दोनों भी परिवार के बहुत प्यारे हैं। परिवार में उन दोनों का एक समान स्थान होना चाहिए। माता पिता, बेटा और बेटी दोनों में भेदभाव नहीं करते। इसलिए इस चित्र में जो परिवार दिखाया है उस परिवार के माता पिता के लिए उनके बेटा और बेटी दोनों का भी जन्मदिन महत्वपूर्ण है। वे स्त्री पुरुष समानता को मानते हैं। लेकिन जन्मदिन हम सिर्फ छोटे बच्चों का ही नहीं मनाते, बल्कि हम बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का भी जन्मदिन मना सकते हैं। अभी आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन दो चित्रों को ध्यान से देखो। इससे आपको यह पता चलेगा कि हम बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का भी जन्मदिन मनाते हैं। आगे कवि कहते हैं, स्नेह सहयोग का भार अपार, जन्मदिन का यही श्रेष्ठ उपहार। परंपरा से जन्मदिन मना रहे, मिलकर सब हैप्पी बर्थडे गा रहे। कवि के इन काव्य पंक्तियों का अर्थ यह है कि जन्मदिन पर हमें ढेर सारे तोहफे मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा तो हमारे मित्र और रिश्तेदारों से प्यार पाना है। हमारे यहाँ जन्मदिन पर दोस्तों और रिश्तेदारों को घर बुलाकर केक काटते हैं। उस समय हैप्पी बर्थडे टू यू यह गीत गाने की परंपरा पुरानी परंपरा है। लेकिन जन्मदिन मनाने के क्या 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 तरीके हो सकते हैं? जन्मदिन मनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? रिश्तेदारों को और मित्र को घर बुलाकर केक काटना यह एक तरीका हमने अभी देखा है। उसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि किसी एक जन्मदिन पर हम अपने परिवार के लोगों के साथ आसपास ही कहीं पर घूमने जा सकते हैं। किसी एक जन्मदिन पर हम अपने परिवार के साथ खेल खेल सकते हैं, जिससे हमारा आपस का जुड़ाव और बढ़े। किसी एक जन्मदिन पर हम अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में जाकर उनके साथ वक्त बिताना, खेल खेलना, बातचीत करके उनके साथ अपनी खुशियां बांट सकते हैं।
ऐसे और भी अलग अलग तरीकों से हम हमारा जन्मदिन मना सकते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे अपनों से प्यार, आशीर्वाद और मदद का भाव प्राप्त होना यह जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा है। दूसरा संदेश यह है कि हमें लड़का लड़की दोनों को समाज में समान स्थान देना चाहिए। लड़का लड़की दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ही समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों में से कोई एक भी ना हो तो संपूर्ण मनुष्य जाति का नाश होगा। धन्यवाद।